एक पिता है फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं। और अधर्म करके जीना चाहता राज धर्म का ज्ञान नहीं। ये मोट भूत करता एक पिता है फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं। अधर्म करके जीना चाहता राज धर्म मोट भूत करता एक पिता है फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं। अधर्म करके मेरे सामने मेरी मौत दिखे नूक करके मेरी आत्मा दुख पाई है। और तेरे सामने इतना अपनी भूख दिखे नूक करके तेरी आत्मा दुखी है। आत्मा दोनों की दुखी है मेरी मेरी मौत को देख के आत्मा दुखी तेरी भूख से आत्मा दुखी है। इसलिए मौत भूख का एक पिता है। न्यारा बाप को न्यारा जनक को न्या लेकिन कुछ ज्ञान कर मेरे भाई ज्ञान के बिना कुछ नहीं। फिर बेशक खाली पहली कली में तो गौ माता क्या समझाती है क्या कहती है। ज्ञान से ऋषि तपस्या करते ज्ञान बना प्यारा सेना। और ज्ञान से कारी व्यवहार चले ब्याज मूल तक करके देना। ज्ञान से बचा बालकना साहूकार से ऋण लेना। ज्ञान से बचा बालकना साहूकार से ऋण लेना। अरे कर्जा ले मार किसे का कर्जा कोई मार किसे का। अरे ती सच्ची शान नहीं धर्म कर जीना चाहता राजधर्म मौत भूख पाए करता है से मेरे बहुत आदरणीय बड़े भाई बहुत अच्छे साथी कलाकार जयवीर शर्मा जी बामड़ा 100 रुपए से मान सम्मान देते बार बार धन्यवाद। 101 रुपए बामड़ा गांव से ही राजेश ग्रेवाल जी मान सम्मान देते बार बार धन्यवाद। और 101 रुपए रमेश ठेकेदार साहब पहलवान जी वो भी मान सम्मान देते बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे पुराने कविया ने सब कुछ गा दिया कोई जगह नहीं छोटी। बेचास की देखियो कोई चीज ऊपर ना बगाओगे इसी कोई चुंबक को ना जब चीज ऊपर रह जा नीचे पड़ेगी। लेकिन कोई तो शक्ति होगी जो आसमान ऊपर डट रहा है दीप्ति को ना या ए माया से बस भगवान की। जिस दिन या समझ में आ जाएगी आदमी गलत काम कर रहे दुनिया लोग नु कैसे इंटरनेट का जमाना आ गया। इंटरनेट हमारी माता बहन भी यूं कहेंगी फोन बिना काम ना चल रहे। अरे ये फोन भी गा गए हमारे कवि आजकल तो ऐसा काम से वीडियो कॉल हो जाए जो हम इशा में बैठे हैं। हमारे कविया ने इस चीज को भी गाया कि छेरे तो ना छोड़ी जो चीज ना गाई हो लेकिन
हमने गौर नहीं करी उस बात के ऊपर, वह कौन सी थी? दूसरी कली में क्या कहा? बिना सो कोस दूर आए, ज्ञान के कारण पास खड़े। और ज्ञान से ऋषि तपस्या करते, पर ईश्वर के दास खड़े। मिले मेरे वो मोक्ष होने तर के पूरी आस रे। मिले मेरे वो मोक्ष होने तर के पूरी आस रे। मेरा ज्ञान जाओ पर धर्म पर सत्य का मान गुमा। गौतम ऋषि को कहा महाराज चेला बना ले, बोले पहले परीक्षा होगी फिर चेला बनेगा। गौतम ऋषि ने 400 गायें बूटी लंगड़ी लुल्ली आंधी जरू तड़के मरेंगी, इसी 400 गायें छाट के और सत्य काम को पकड़ा दी, उन्होंने चरा लिया। हर चीज तन इन गांवों की संख्या 1000 हो जा, उस दिन उल्टा है जी। अरे लोगों इतनी बूटी गौ दे रखी वो मर जा ब्याह को, लेकिन उस सत्य काम ने इतना धर्म निभाया। आखिरी में भगवान पर मानुष की वाणी सुननी पड़ी, इतना लीन हो गया गौ माता की सेवा में। और सत्य काम ने बताते ब्रह्मा जी ने प्रकट हो गए, बोले सत्य काम एक आंख मीच। जब सत्य कामना आंख मीची भगवान किसी कृपा हुई लोगो, जब आंख खोली तो 1000 गौ पाई, और वह भी जो बूटी ठेरी लंगड़ी गुल्ली आंधी थी ना, सारी जवान होगी। अनुलाई जात्रे गुरु का दो है, तने कोई रोकड़िया नहीं। इस गौ माता ने ऐसे ऐसे पार उतारे, लेकिन श्रद्धा चाहिए न तो लेके उन गौवा नर कितने मरो चाहे कितने खरो कौन बुझे। एक बार जोरदार तालियां सत्य काम भगत के लिए आप लगाएं। इस हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे भगत हुए। मेरे बहुत याद नरसिंह वास गांव से 51 रुपए से मेरे रोशन लाल जी मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद। और 101 रुपए मदन जी हमारे आदरणीय नरसिंहवास गांव से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। और रामेश्वर जी नरसिंहवास गांव से 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद, बड़ा बड़ा धन्यवाद। तीसरी कली में उस सत्य काम का जिक्रा करे तो माता में क्या कहती है। उस सत्य काम ने लूट कवो को
गया मुह के लग गया और प्रेम से उधर भरा दिया और सत्य काम ने गुरु के वचन को धर्म नाव में तरा दिया प्रेम की वाणी सुना सान ने ब्रह्म का दर्शन करा दिया प्रेम की वाणी सुना सान ने ब्रह्म का दर्शन करा दिया फिर ज्ञानी मानस कौन कहे ज्ञानी मानस वो गौ माता शेर तनुकन लगे रे भाई जो गलती मन ने कर रखी से ना वह गलती तू करण लाग रहे है भी। मेरे को तो समझाने वाला कोई नहीं था लेकिन मैं तेरे को समझा रही हूं तू दुख पाओगा मन के ज्ञान नहीं था मेरे साथ के बनी हर तू के कर सब तेरे के लिए के बनाएगी क्या कहती है लक्ष्मी चंद क्यों भूल गए ये धर्म कर्म की सबरा ओ लक्ष्मी चंद भूल गए धर्म कर्म की सबराही निराकार का बच्चा बन रहा निराकार का बच्चा बन रहा